संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 132वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम तरीके से जनपद सहारनपुर के अंदर मनाया जा रहा है। और पीछे की मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। जनपद सहारनपुर के घंटाघर पर हम मौजूद है, जहां पर मुस्लिम समाज से वरिष्ठ समाज सेवी आरिफ भाई हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे उनसे। जी आरिफ भाई, पहले तो आपका स्वागत करता हूँ बीजेडी न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं आरिफ खान बिन अब्दुल हफीज़, समाज सेवी सहारनपुर से। मैं सबसे पहले बाबा अम्बेडकर जी की जयंती की शुभकामनाएँ पेश करता हूँ पूरे देशवासियों को। और हमारा ये काम रहता है कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना, प्यार को बढ़ाना। अब अम्बेडकर जी की जो शोभा यात्रा आई, बेहतरीन आई, तो हम सब लोगों ने, हमारे जहांगीर भाई, नौशाद अंसारी, हमारे खलीफा नईम और जो है सैयद मुकर्रम और आदिर जितने भी सब लोग हैं, हमने उनका स्वागत कराया और उन्होंने भी हमें पटका पिलाकर अपना आशीर्वाद दिया और बाबा जी का आशीर्वाद दिया। और हम अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए हम दुआ करते हैं कि इसी तरह भाईचारा बना रहे। क्या कुछ कहेंगे आरिफ भाई, आप समाज सेवी हैं, मुस्लिम समाज से हैं, एक गुलदस्ता पेश होता है जब कोई मुस्लिम भाई, खास तौर से हिंदू पर हो, रामनवमी की यात्रा भी हमने आपको देखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम तमाम जनता को? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्यार से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। आपने रामनवमी की शोभा यात्रा की बात की, जब रामनवमी की शोभा यात्रा हमारे शहर जमा मस्जिद पर आई तो उनका बड़ापन ये रहा कि हमारे मुस्लिम भाई पहले रोज़ा खोल लेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तब हम यात्रा को चलाएंगे। ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। और जब वो यात्रा आई, हमने रोज़ा खोल लिया, नमाज़ पढ़ी और फिर हमने उनका स्वागत करा, फूल माला से स्वागत करा शोभा यात्रा का। और फिर उसके बाद बालाजी की शोभा यात्रा आई, उनका भी बड़ापन ये रहा कि नमाज़ के वक्त उन्होंने रोका बैंड बाजा और जब हम नमाज़ पढ़कर आए, रोज़ा खोलकर, हम उन्होंने उन लोगों का स्वागत कराया। ये हिंदू मुस्लिम एकता की सहारनपुर की एक मिसाल है। तमाम धार्मिक यात्राओं में आप शरीफ होते हैं, तमाम धार्मिक आयोजनों में हमने आपको देखा, क्या कुछ कहेंगे? बिहार में आपने देखा रामनवमी पर दंगे हुए, आंध्र प्रदेश में आपने देखा, पश्चिम बंगाल में देखा, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर इस प्रकार कोई घटना नहीं हुई रामनवमी पर, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ ये घटना हुई है उसकी मैं निंदा करता हूँ और उन लोगों से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सहारनपुर का, यूपी का एक भाईचारा देखिए कि ये भाईचारा कि हमारे हिंदू भाई हमारे रोज़े के लिए, नमाज़ के लिए एक बैंड रोक रहे हैं, ये कितना बड़ा भाईचारा। और रही यूपी की बात, यूपी बहुत अच्छा चल रहा है, जो यूपी के जो माफिया थे वो डर के छुप गए हैं और बिलोज़र से डर रहे हैं, और डरेंगे क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अच्छा काम कर रखा है, बदमाशों पे शिकंजा कस रखा है। अब हमारी माता बहनें, हमने रात को 2 बजे भी देखा है, खुले आम फिरती है। चलिए एक सवाल है आपसे, एक निकाय चुनाव, उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में जनपद सहारनपुर के अंदर इस बार किसके सर पर ताज देखना चाहते हैं मेयर का? देखो, मेयर का ताज उसी के सिर पर होना चाहिए जिसने सहारनपुर का एक विकास किया है। हमारी, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, समाज से भी हूँ, लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा विकास हमारे शहर में हुआ है, बीजेपी सरकार में बहुत ही अच्छा हुआ है। अगर निकाय चुनाव है तो हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे ही को लावे जो विकास करे शहर का, हमारे शहर का विकास करे, ताकि इसकी विकास होगा तो अच्छा काम होगा। अगर बसपा नेताओं का ये कहना है कि इस बार जो है दलित मुस्लिम का समीकरण चलने वाला है जनपद सहारनपुर में, लगता है इस बार दलित मुस्लिम एक साथ एक मंच पर आएंगे? देखो, ये राजनीति है, क्योंकि राजनीति में से हम दूर है, हम तो एक समाज सेवी है, अपनी अपनी एक बात रखते हैं, लोकतंत्र है ये, हिंदुस्तान है, सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है सबको। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ विकास की, बहुत अच्छा विकास कर रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को भी धन्यवाद करता हूँ कि अच्छा विकास चल रहा है। और अपने मुल्क के लिए और अपने शहर के लिए मैं ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि शहर को नज़र न लगे, खुशहाली रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ भाई। जैसे जनपद सहारनपुर के घंटाघर पर मौजूद थे, जहाँ पर आरिफ भाई ने हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर एक मिसाल पेशकश की। जनपद सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट, धन्यवाद।